प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं दूसरा पार्ट यानी सेकंड पार्ट में लेकर के आया हूँ विटामिन के ऊपर। विटामिन बी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस का ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ और मैं दूसरा 2 क्वेश्चंस मैं सेकंड पार्ट में लेकर के आया हूँ, जो कि 5-5 का एक सेट में बनाता हूँ। तो हम बिना देरी करते हुए एक बात आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं दोस्तों, कि मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे है पहले से तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इतना अगर भर के मुझे प्यार देते हैं तो और मेहनत मैं करूँगा, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा कंटेंट चाहिए आपको, ताकि और भी मैं बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकूँ एग्जाम SSC पॉइंट ऑफ व्यू के। देखिए दोस्तों, ये मैं विटामिन कौन सा है स्क्रीन की तरफ चलाए हैं, और स्क्रीन पे है विटामिन B3 का नाम बताएंगे। विटामिन B3 का नाम है दोस्तों नियासिन। ये है साइंटिफिक नेम है इसका नियासिन, और इसके कमी से होने वाला रोग का पेलेग्रा नाम है। पेलेग्रा नामक रोग जो है इसके कमी से होता है, विटामिन B3 के कमी से, जो नियासिन जिसका नाम है दोस्तों। विटामिन 5 में मैंने रखा है, 5 नंबर में विटामिन B2 की बात मैं करूंगा। विटामिन B2 का नाम है दोस्तों साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन, यानी राइबोफ्लेविन नाम का जो है विटामिन, इसकी कमी होने से किस तरह का बीमारी होती है, किस प्रकार का रोग होता है? तो इसकी कमी से दोस्तों गले में खराश होती है, यानी फटा हुआ आवाज जो आता है वो विटामिन B2 के कमी के कारण होता है ऐसा दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको ऐसा कि इस वीडियो में बताया है, और फिर इस तरह का और भी विटामिन का विस्तृत जानकारी के लिए अगला पार्ट में और भी बनाऊंगा दोस्तों, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, और कैसा लगा ये भी बताइएगा, और कैसा कंटेंट चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।